सेना प्रमुख ने कहा है कि संसद से इशारा मिले तो सेना पीओके पर कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी में है। उधर पाकिस्तान ने नए सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। नए सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा बयान दिया जो शायद ही किसी सेना प्रमुख से आपने सुना होगा। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए नरवणे ने पीओके पर कार्रवाई की बात कही। सेना प्रमुख बोले, संसद के एक इशारे पर होगा पीओके हमारा। अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेना प्रमुख का ये बयान इशारा भी हो सकता है। क्या पीओके पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है? क्या पाकिस्तान का बढ़ने वाला है सर दर्द? क्या भारतीय सेना के निशाने पर है पीओके? दुनिया के सबसे बड़े थल सेना के प्रमुख के बयान के मायने क्या हैं? पाकिस्तान में तो उनके इस बयान पर हड़कंप मच गया है। तिल मिलाए पाकिस्तान ने तो आर्मी चीफ के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। सुनिए आर्मी चीफ के जिस बयान को पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना बता रहा है। जहां तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है। और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को पदभार संभालने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। दुनिया भर में कई देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख के इस बयान के बाद कहा जा रहा है क्या अब की बार पीओके पर वार। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।